ये जो है सोइंग सीजन के अंदर हमने देखा खूब अखबारों के अंदर आई खबरें, यूरिया और डीएपी की बहुत जबरदस्त किल्लत थी। और जो है हालात ये थे दादरी के अंदर कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और जो है वहां पर पुलिस के द्वारा जो है उनको रफा दफा करा जा रहा था। और जो आप देते हैं मंत्री जी कहते हैं यूरिया की कोई कमी नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि जब कमी नहीं है तो इसका मतलब आप कालाबाजारी करवा रहे हैं, क्योंकि कालाबाजारी हो रही होगी जब कमी नहीं है फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और उनको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। दूसरी बात अध्यक्ष जी, आप बाजरे की जो है एमएसपी जो थी हमारी 2300 थी, 2350, लेकिन हैफेड के जरिए जो है 1860 या 50 ऐसे जो है खरीदी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि भवंतर योजना के तहत हमारे किसान भाई, जो हमारा हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, उसके तहत जो है उनकी भरपाई करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। लंपी डिजीज जो है इतना जबरदस्त तरीके से प्रकोप करा लंपी डिजीज ने, पूरा का पूरा हरियाणा के अंदर हमारी कैटल जो है बर्बाद हो गई, उसका जो है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, अभी तक कोई भी कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, शुगर केन जो है उसके भी पैसे बढ़ाने की बात जो है किसानों ने अनुरोध करा है कि 450 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो बढ़ाया जाए, जैसे पंजाब ने बढ़ाया है 80 रुपए पंजाब ने बढ़ाया है, तो पंजाब तो हमारे बगल का प्रदेश है, तो पंजाब हमारे से आगे क्यों रहे, हम भी अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और माननीय बिजली मंत्री जी से मैं कहूंगी कि ये नॉन एनर्जी चार्जेस जो हैं उनको आप एडजस्ट करो, ये जो है फोर्थ कमिंग जो बिल आप नया बिल आएगा उसमें आप एडजस्ट करवाइए, उसको सिक्योरिटी चार्जेस की तरह आप उसको मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैनुअल में भी आपके लिखा हुआ है कि नॉन एनर्जी चार्जेस शुड बी लेवीड। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आज हमारे बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात मैं करती हूं। सरकार ने एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हमारा रखा हुआ है, 3 साल के लिए रखा हुआ है। मैं कहती हूं क्या प्रॉब्लम है सरकार को कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके जरिए बच्चे जो हैं अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिक्स होता है वो हर साल अगर इनका हो जाए तो उसके अंदर सारे के सारे बच्चे भाग ले पाएंगे। 3 साल की जो अवधि होती है उस अवधि के अंदर जो 3 साल जो पीछे रह गए या कुछ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे लाखों बच्चों ने जो है टेस्ट दिए हैं और वो नहीं दे पाए, तो वो 3 साल तक जो है वो क्या करेंगे, उनको उनके लिए वो तो बेचारे बेकार रह गए और हरियाणा सरकार की कोई भी नौकरियों के अंदर जो है उनका प्रावधान नहीं हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये है कि ये बच्चों के फायदे के लिए, आज हमारा प्रदेश जो है बेरोजगारी की दर से जो है जूझ रहा है, हमारे नौजवान लड़के जो हैं वो हताश हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरी नहीं मिलने का कारण जो के बाद क्या होता है कि शादियां नहीं होती हैं बेचारों की, तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरा समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है जरूर संज्ञान लीजिए, ये बहुत जरूरी बात है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, मेरे हल्के के अंदर 17 ऐसी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, वो मैंने मंत्री जी को लिखकर सारी भेजी हैं, वो आप जरा जल्दी से ठीक करवा दीजिए, आपने जो है 25 करोड़ का प्रावधान करा है तो उससे जरूर हो जाए जल्दी। और 16 ऐसी हैं जो मार्केटिंग बोर्ड की हैं, तो ये मार्केटिंग बोर्ड वाली भी फटाफट करवा दीजिए। हमारे स्टेडियम्स हैं मंत्री जी, आप मार्केटिंग बोर्ड की तो करवाएंगे, मंत्री करवाएंगे। साथ ही साथ हमारे स्टेडियम्स इतने सारे हैं जिनका मैंने आपको लिखित के अंदर सारा भेजा था, नौजवान बच्चे हरियाणा के अंदर आज हमारी वी हैव नर्सरी ऑफ यू नो पीपल, सो व्हाई शुड वी नॉट गिव देम द प्रॉपर थिंग। सो आपको जो है मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये स्टेडियम हमारे बच्चों को दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद जी अध्यक्ष जी।